अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो एंड वेलकम टू मोर वेलकम माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी बॉक्स। सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो या जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू नो आज की वीडियो में ना तो हम कोई रेमेडी बनाएंगे एंड ना ही हम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करूँगी, उस टॉपिक पर बात करूँगी जिसकी मेरी प्रीवियस वीडियो ग्रूमिंग टिप्स की वीडियो पर मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ इसका यूज़ करना बता दें। सो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे ही वीडियो बना दी जाए। सो बात कर रही थी जी मैं इसके बारे में, फेशियल हेयर रेजर के बारे में, जिसकी मोस्टली गर्ल्स की मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, प्लीज़ हमें बता दें। तो जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, इस फेशियल हेयर रेजर से पहले आपको एक और चीज़ की नीड होगी और वो है जी लोशन। आप यहाँ पे कोई सा भी लोशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वैसलीन का लोशन ले रही हूँ, माई मोस्ट फेवरेट। एंड यहाँ पे आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ एलोवेरा जेल ख़त्म हो गया था, सो मैं यहाँ पे लोशन ले रही हूँ। सो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो यार सीरियसली ये जो फेशियल हेयर रेजर है ना, सीरियसली यार बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। मतलब इसको यूज़ करके कोई पेन नहीं होता है। मतलब आप वैक्स करवाओ, आप थ्रेडिंग कराओ, आप कुछ भी करवाओ, आपको पेन तो लाजमी होता है, बट इसको यूज़ करने से बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। सो जल्दी से अब मैं ये लोशन अप्लाई कर लूँगी। और हाँ गर्ल्स, जब भी आप ये लोशन अप्लाई करो या फिर कोई सा भी लोशन अप्लाई करो, आप ज़्यादा सा लगाना, मतलब उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रखना। सो गर्ल्स, यहाँ पे मैंने लोशन अप्लाई कर लिया है और हाँ, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको लोशन की दिखाई थी बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी मैंने अप्लाई करी है। एंड अगर आप इसको फेस पे यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ लोशन की क्वांटिटी आप इतनी ही रखना। सो अब बारी आती है जी फाइनली इसको यूज़ करने की। एंड हाँ, जिस डायरेक्शन में मैं आपको इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल प्लीज़ इसी तरह यूज़ करना। मींस ऊपर से लेके नीचे आप इसको यूज़ करना है, नीचे से ऊपर इसको यूज़ नहीं करना। एंड अगर आप इसको फेस पे यूज़ कर रहे हो तो फेस पे भी बिल्कुल यही करना है कि आपको ऊपर से लेके नीचे इसको यूज़ करना है। एंड हाँ, जब भी आप इसको यूज़ करो बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना, बिल्कुल भी टेढ़ा ना करना, हाथ अपना टेढ़ा नहीं होने देना। एंड बहुत एहतियात से आपको यूज़ करना है। सीरियसली जब मैंने इसको शुरू यूज़ करना स्टार्ट किया था, सो मेरे भी दो से तीन से भी ज़्यादा यार बहुत सारे कट लगे थे, क्योंकि जब मुझे इसे यूज़ नहीं करना आता था। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, सो मुझे इसे बहुत अच्छा यूज़ करना आ गया है। एंड लिटरली यार इस वक्त मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब पार्ट लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, दिखाना भी ज़रूरी था। सो अगर आपको ये अच्छा ना लग रहा तो प्लीज़ आप इस थोड़े से पार्ट को स्किप कर देना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेयर्स रिमूव हो चुके हैं। फाइनली गर्ल्स, आप यहाँ देख सकती हैं कितनी अच्छी तरह हेयर्स रिमूव हो चुके हैं एंड विदाउट एनी पेन। और सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि हमारा काम भी हो जाता है एंड पेन भी नहीं होता बिल्कुल। सो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो 15 डेज तक आपको इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, मतलब 15 डेज तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है। सो या बाय द वे, अगर आप वैक्स करवाओ, थ्रेडिंग करवाओ तो 15 डेज तक तो वो स्टे करती है, 15 डेज बाद फिर आपको नीड होती है। सो बिल्कुल एक जैसा ही सबका वर्क है। फ़र्क इतना है कि इसको यूज़ करने में हमें पेन नहीं होता है। एंड टीनेजर्स के लिए ना यार ये बहुत बेस्ट है, सीरियसली ये टीनेजर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो या फाइनली जी ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड मुझे अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखना एंड अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना। सो सी यू इन अनदर वीडियो, जब तक के लिए बाय।